असलम दियर स्टूडेंट्स द सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो चार्ट आर द कंडिशनल फ्लो चार्ट एज यू सी द नेम कंडीशन से ही पता लग रहा है कि ये कंडीशन है इस चीज़ में कोई हमने चीज़ चेक करनी होगी उसके बाद अपना फ्लो चार्ट का फ्लो देखना होगा वो किस साइड पर जा रहा है आपके जो पेज नंबर टेन से लेकर पेज नंबर थर्टीन तक फ्लो चार्ट बने हुए हैं नंबर सेवन एट नाइन एंड टेन ऑल दीज आर कंडिशनल फ्लो चार्ट इसमें से सबसे पहले वाला हम अटैम्प्ट uh, करने की कोशिश करते हैं दैट इज़ नंबर सेवन उसमें हमने करना क्या है वी हैव टू फाइंड आउट इफ़ द गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन फॉर दैट आप इसकी लॉजिक सबसे पहले समझ लें उसके बाद हम कंडीशनल फ्लो और को ड्रॉ करेंगे ऑड और इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपने इससे पहले एक ऑपरेटर पढ़ा था जिसका नाम था मॉड ऑपरेटर ठीक है मॉड ऑपरेटर क्या काम करता है वेन यू डिवाइड अ नंबर बाई अनदर नंबर फॉर एक्जाम्पल मैं थ्री को फाइव के साथ डिवाइड कर रही हूँ थ्री वन टाइम इज़ थ्री और आपके पास नीचे आ गया उसका रिमाइंडर टू ये होता है क्वेश्चन दिस इज़ डिवाइजर दिस इज़ डिविडेंड ठीक है और नीचे आपके पास है रिमाइंडर जब आप वैसे डिविजन करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूंगी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री या फिर फाइव डिवाइडेड बाई थ्री तो इसका आंसर आपको मिलेगा वन ये जो ऊपर लिखा हुआ है ठीक है इन टीचर लेकिन अगर मुझे ये टू चाहिए होगा आंसर में देन आई विल यूज़ द मॉड ऑपरेटर अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ फाइव मॉड थ्री इट विल गिव मी दी आंसर एज टू क्योंकि ये रिमाइंडर डिस्प्ले करता है और इस वाले फ्लो चार्ट में जो हमने इवन ऑर्ड नंबर फाइंड करने हैं इसमें हम यही काम करेंगे नंबर सेवन चार्ट इज़ टू डिटर्मिन वर अवन नंबर इज इवन ऑड फॉर देट यू हैव टू ड्रॉ फ्लो चार्ट और उसके लिए हम सबसे पहला ये सिंबल यूज़ करेंगे स्टार्ट देन वी विल टेक अ नंबर एज इनपुट इनपुट नंबर आप नंबर को एन NO ओ करके भी लिख सकते हैं आप नंबर को एन यू एम बी भी लिख सकते हैं पूरा का पूरा नंबर भी लिख सकते हैं सब टू यू उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ मैं प्रोसेसिंग स्किप करी हम लोग यूज़ करेंगे अ डिसीजन सिंबल, आपने सिंबल्स में डिसीजन सिंबल्स पढ़ा था ये होता है कंडीशन या डिसीजन के लिए ठीक है इसको कहते हैं डायमंड सिंबल यहाँ हम करेंगे इफ नंबर मॉड टू अगर हम किसी भी नंबर को टू पर डिवाइड करें तो आपको पता है रिमाइंडर क्या आना चाहिए ज़ीरो और वो क्या बन जाता है ई नंबर अगर किसी भी नंबर को टू पर डिवाइड करें अगर आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ोर को टू पर डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बच रहा है नीचे ज़ीरो इसका मतलब है कि फ़ोर क्या है ई नंबर और अगर मैं चेक करना चाहूँ कि फ़ाइव ई है कि नहीं आई विल डिवाइड फाइव बाई टू तो मेरे पास क्या आएगा रिमाइंडर वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब फाइव मेरे पास नंबर नहीं है तो इसके लिए हमने क्या करना है चेक बॉक्स में एक चेक लगा देना है हर नंबर को हम टू पे डिवाइड करेंगे अगर हमारे पास आंसर जीरो आएगा तो आप येस yes में उसको कह दें प्रिंट करवा दें नंबर इज ईवन प्रिंट नंबर इज ईवन और नो no में करवा दें उसके साथ नंबर इज ऑड प्रिंट नंबर इज ऑड ठीक हो गया अब ये क्या करना है आपने नीचे आके इनको स्टॉप कैसे करना है यू नो दैट स्टॉप के साथ हम सिर्फ एक लाइन यूज़ करते हैं आपने यहाँ से थर्ड फोर्थ लाइन जो है इन सिंबल के साथ यूज़ नहीं करनी डिसीजन सिंबल के साथ आपने इसको भी एंड करना है यहाँ से आके चाहे आपका आंसर ऑर्ड आए या इवन आए और जो इवन वाली साइड है वहाँ से भी यहाँ आप एरों लगा के एक कनेक्टर सिम्बल यूज़ करेंगे और इस कनेक्टर सिंबल के थ्रू सिंगल लाइन आपकी स्टॉप सिम्बल में जाएगी ठीक है ये हो गया आपका टू फाइंड आउट द गि नंबर इज़ इवन और इसी तरह का एक और फ्लोर चार्ट आपकी एक्सरसाइज में भी है इट ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट ये आपको फाइंड आउट करना है आपको पता है लीप ईयर कौन सा होता है जिसमें 29 डेज होते हैं फेब में और ये लीप ईयर का कैसे पता लगता है इफ़ आई से टू को फाइंड आउट करो ये लीप ईयर है या नहीं है तो हम टू को फोर पर डिवाइड करेंगे और वी विल चेक कि यह जा रहा है उसके ऊपर पूरा या नहीं ठीक है तो वी विल गेट द आंसर जीरो इसका मतलब है कि टू थाउजेंड जो ईयर था वो हमारे पास लीप ईयर था अगर टू थाउजेंड वन चेक करेंगे वो फोर पे डिवाइड करके हमें जीरो आंसर नहीं देगा तो वो लीप ईयर नहीं है इसको चेक कर लेते हैं कि लीप ईयर वाला फ्लो चार्ट हम कैसे ड्रॉ करेंगे द फर्स्ट थिंग इज टू स्टार्ट द फ्लो चार्ट विद अ स्टार्ट सिम्बल द नेक्स्ट थिंग इज टू टेक द इनपुट और इनपुट में हमने क्या लेना है ईयर ठीक है अब कोई सा भी यूज़र कोई सा भी ईयर एंटर कर सकते हैं बट वी हैव टू फाइंड आउट हम इसमें कंडीशन या चेक या डिसीजन लगाएंगे इफ़ मॉड फोर इज इक्वल्स टू जीरो ईयर को फोर पे डिवाइड करो अगर तो ज़ीरो आंसर आएगा तो यस yes में लिख दें या प्रिंट करवा दें लीप ईयर ठीक है और नो no में करवा दें नॉट अ ईयर जैसे बिल्कुल हमने ईवन आउट के लिए किया था ठीक और इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा यहाँ से वही आपने कनेक्टर सिंबल के थ्रू इन दोनों लाइंस को यहाँ पे जॉइन करना है और उसके बाद आपने इसको स्टॉप सिंबल में इंसर्ट करना है ऐसे करके ठीक हो गया अगर आप कोशिश करेंगे यहाँ लागे क्रिस क्रॉस करके दोनों लाइंस इकट्ठी यहाँ पे एंटर कर दें तो वो बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन हो जाता है ऐसे करके ऐसे नहीं आपने करना आपने बिल्कुल कनेक्टर सिंबल यूज़ करना है टू कम्बाइन ऑल द लाइन एंड पुट वन लाइन इन द स्टॉप सिम्बल गॉट एट इसके अलावा आप जो है वो एक्सरसाइज uh, में एक और भी क्वेश्चन है इसके बारे में कि एन टू डिवाइड कर रहा है एन वन को कि नहीं और आपके पास फ़्लो चार्ट नंबर ट्वेल्व एंड थर्टीन पेज के ऊपर भी हैं जो कि कंडीशनल है ऑल दीज फ्लो चार्ट आर एक्सप्लेन इन द सेम प्ले लिस्ट आपको बड़े अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझाया गया वहाँ पर इस प्ले लिस्ट में जाएँ नीचे स्ट्रोल करें आपको सारे फ़्लो चार्ट मिल जाएंगे वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़